नमस्कार फ्रेंड्स, हैप्पी धनतेरस इन एडवांस। मेरा ये वीडियो आज आप सुन रहे हैं और धनतेरस अगले संडे को है। फ्रेंड्स, धनतेरस पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, तो ये वीडियो मैंने आप लोगों को अवेयर करने के लिए बनाया है कि कहीं आप कुछ ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे जिसके कारण आप लोग जो है वो लक्ष्मी माँ के आगमन की बजाय, कुबेर देवता के आगमन के बजाय उल्टा ही अपने आप को थोड़ा सा उनसे और दूर कर रहे हैं। यानी कि धन संपत्ति, सुख सुविधा और जितनी प्रॉस्पेरिटी आप अपने घर में लाना चाहते हैं, वही कहीं आपसे कुछ गलतियों की वजह से दूर ना हो जाए। फ्रेंड्स, धनतेरस का दिन होता है जिसमें आप लोग बहुत सारी चीजें खरीदने की कोशिश करते हैं, जिसमें विशेष रूप से सोना, चांदी, बर्तन, गाड़ी, घर लेना है या कुछ भी नया सामान लेना है, तो इस दिन को हम लोग बहुत शुभ मानते हैं। लेकिन कुछ गलतियां कर जाते हैं जो हमें पता नहीं। तो चलिए आज मैं सबसे पहले बताऊंगी आपको कि धनतेरस वाले दिन आप लोगों को किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजें खरीद कर घर में नहीं लानी और क्या करना है। उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपको धनतेरस किस ढंग से मनाना चाहिए, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर घर पर लानी चाहिए। मैं रीना खन्ना, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड अ टैरो कार्ड रीडर। फ्रेंड्स, धनतेरस पर सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, कभी भी लोहे का सामान आपने घर में नहीं लाना। सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि आप लोग कौन कौन सी चीजें घर में नहीं लाएंगे। एक, लोहे का सामान नहीं लाना। लोहा मीन्स शनि, तो शनि भगवान का दिन नहीं है आज, ये धनतेरस का दिन है, ये कुबेर देवता का दिन है, पैसे के आगमन का दिन है, एक ऐसे देवता की पूजा का दिन है जब आप जो है खूब सुख सुविधा, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी धन दौलत उनकी उपासना करके अपने घर में ला सकते हैं। तो लोहा आपको बिल्कुल उस दिन घर में नहीं लाना। ऐसे ही कई बार हम बर्तन खरीदने जाते हैं तो अल्मोनियम के बर्तन खरीद के ले आते हैं। चलिए चाय बनाने का बर्तन ले आते हैं, वो भी अल्मोनियम का, बहुत गलत है, वो भी आपको बिल्कुल नहीं लाना। इसके साथ साथ आप लोगों को और अगर कोई चीज नहीं लानी तो वो है वो कांच की चीज। कांच का, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि चलिए क्रॉकरी खरीद लेते हैं, बहुत रिवाज है, हम लोग किसी को गिफ्ट देने के लिए भी क्रॉकरी खरीद लेते हैं, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है कि कांच के बर्तन खरीदना, ग्लासेस ले लेंगे, कप ले लेंगे, क्रॉकरी ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना, ये राहु को सिंबल करता है। तो आपने उस दिन कभी भी कांच के कोई भी बर्तन घर पर नहीं लाने। और जो विशेष करके जो चीज आपको ध्यान देनी है वो ये है कि किसी से को भी उस दिन गिफ्ट नहीं देना। अक्सर लोग दिवाली से पहले एक दूसरे को गिफ्ट देने जाते हैं। अब धनतेरस संडे को आ रहा है, छुट्टी का दिन है, तो आप लोग कहेंगे कि छुट्टी का दिन है तो इसको यूज करते हैं ना, जहां जहां जाना है आज का ही दिन है, आज चले जाते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना, आप अपने पैसे से खरीद के उस दिन किसी को पैसा या गिफ्ट नहीं, आप खरीद के अपने घर के लिए सुख सुविधा का सामान लेकर आइए। अपने घर के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें मैं अभी बताऊंगी जो आपको लानी चाहिए, लेकिन कभी भी याद रखिए कि किसी को उपहार उस दिन नहीं देना। पैसा आपके घर से बाहर दूसरे के घर में नहीं जाना चाहिए, उसके घर में तो समृद्धि आ जाएगी, आपके घर में वही चीज की कमी हो जाएगी। तो इस चीज को आपने बहुत ध्यान रखना है। देन अब हम बात करेंगे कि आपको उस दिन क्या क्या लेना चाहिए। तो सबसे अच्छा तो सोना होता है कि आपको सोने की कोई चीज लेनी चाहिए, लेकिन हर एक की तो हिम्मत नहीं है कि सोने की चीज ले सके, तो चांदी ले लीजिए। तो सबसे सुंदर चीज होती है, अगर आपको प्रॉस्पेरिटी बढ़ानी है, अगर आपको चाहिए कि सुख सुविधा संपन्नता हमारे घर में आ जाए, तो सोना और चांदी उस दिन लेकर आइए। आप कोई नई गाड़ी लेना चाहते हैं, आप कोई मकान खरीदना चाहते हैं, या कुछ भी ऐसा अपने लिए कोई ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, डायमंड खरीदना चाहते हैं, कुछ भी खरीदना चाहते हैं, तो उस दिन लेकर आइए। क्या नहीं लेकर आना वो मैं पहले बता चुकी हूँ।
उसके बाद जो है आप लोग, अब चीजें तो आप खरीद के आ गए, अब हम शुरू करेंगे कि धनतेरस वाले दिन आपको शाम को पूजा कैसे करनी है। उसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें पहले से ही ला कर रखनी है। तो और क्या क्या खरीदना है पूजा के लिए, वो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले पूजा के लिए, जिस दिन हमने दिवाली पूजन करना है तो हम एक लक्ष्मी या गणेश जी लेकर आते हैं। अगर आपके पास चांदी के हैं तो उनको गंगा जल से धो के पवित्र करके आप दोबारा यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मिट्टी के गणेश जी और लक्ष्मी माँ की प्रतिमा लेकर आते हैं तो वो आपको हमेशा धनतेरस वाले दिन खरीद के लानी चाहिए। इसके साथ साथ आप एक पीले रंग का कपड़ा भी लेकर आइए। पीले रंग के कपड़े के साथ साथ अब मैं कुछ चीजें आपको लिख पा रही हूं, वो जरूर लाइए। आपको कौड़ियां लानी है, दो कौड़ियां भी हो सकती हैं, बहुत है। आपको गोमती चक्र लाने हैं तो सात गोमती चक्र लेकर आइए। उसके बाद आपको जो है वो एक नमक का पैकेट लाना है। नमक के पैकेट के साथ साथ आपको दो झाड़ू लाने हैं, एक सीख वाला झाड़ू हो सकता है और एक फूल झाड़ू हो सकता है। इसके साथ साथ आप जो है कुबेर देवता की एक फोटो जरूर लेकर आइए। अगर आपको पिक्चर मार्केट में नहीं मिल रही तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आपने ये सारी चीजें रखी, साथ में एक सुपारी जरूर रखिए। साथ में अगर हो सके तो जो एक रत्ती आती है, जिसकी माला भी कृष्ण भगवान को हम अर्पित करते हैं, गुंजा माला होती है, वो रत्ती आती है, अगर वो भी रख सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखेंगे तो इतनी चीजें भी बहुत है। तो अब आपने पूजा जब शुरू करनी है तो कुबेर देवता की फोटो जो है नॉर्थ की डायरेक्शन में, आपका जहां भी मंदिर है उसकी जो नॉर्थ की डायरेक्शन है वहां पर आपने उनकी फोटो को रख देना है। उसके आगे येलो कलर का कपड़ा बिछाना है, उस येलो कलर के कपड़े पे कौड़ी और जो गोमती चक्र लेकर आए थे वो रख देने हैं, उनको फूल अर्पित करने हैं, चावल अर्पित करने हैं, ऐसे ही कुबेर देवता को करने हैं, उन पर सिंदूर लगाना है। ये सब चीजें करके आपने उनके सामने वो नमक, वो झाड़ू, वो सबकी पूजा एक तरह की करके ये सब आपने वहां पर रख देना है। और जो गणेश जी और लक्ष्मी माँ की आप प्रतिमा लेकर आए हैं उसको एक कोने में रख दीजिए, वो हम उस दिन खोलेंगे जिस दिन उनकी पूजा करनी होगी, यानी कि दिवाली वाले दिन। ऐसी पूजा करने से आप लोगों के घर में कुबेर देवता का वास हो जाता है। गोमती चक्र और पीला वस्त्र, ये दो चीजें एक ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपके घर में प्रॉस्पेरिटी और पैसा लेकर आती है। अब ये इसको करना क्या है, जिस दिन दीपावली होगी इस पीले वस्त्र को उठाकर और वो छोटा सा टुकड़ा लेना है, बहुत बड़ा वस्त्र नहीं लेना, छोटा सा टुकड़ा है, उसको गांठ बांध दीजिए। और अगर आपका कहीं बिजनेस है, कहीं दुकान है आपकी, कोई आप ऐसा शोरूम है आपका या कुछ भी है ऐसा, तो उसके दरवाजे पे छुपा के उसको बांध दीजिए। आपके व्यापार के स्थान में इतना लाभ होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप ये करके देखिए। इसके बाद जो है आप इसके साथ ही आप सोचेंगे कि मैंने नमक और झाड़ू क्यों रखवाया है। झाड़ू में भी लक्ष्मी माँ का आभार है, जब आप उसकी पूजा कर लेंगे तो दिवाली वाले दिन जो है उसे उठा लीजिए। दिवाली की पूजा करने के बाद दूसरे दिन आप उसको उठा लीजिए और उसी झाड़ू से अपना घर साफ करिए और फिर उसको थोड़ा छुपा के रख दीजिए। झाड़ू जो है उसको दिखाते नहीं है, वो दिखना नहीं चाहिए लोगों को कि कहाँ पड़ा हुआ है, बस इस बात का ध्यान रखिए। अब नमक का क्या करना है, बस ऐसे ही दिवाली के दूसरे दिन जो है आपने नमक को भी उठाना है और नमक को उठाकर आप नॉर्थ की डायरेक्शन में एक शीशे के जार में भर के रख दीजिए। हमेशा आपके घर में एक जार नमक का और एक जार चीनी का हमेशा भरा हुआ होना चाहिए, ये कभी खाली मत होने दीजिए। देखिए धन की वर्षा कैसे आपके घर में होने लगती है। तो इस बात का ध्यान रखें, बहुत सिंपल सी चीजें बताई है, बहुत सिंपल तरीका बताया है मैंने पूजा करने का, बस इतना कीजिए तो भगवान कुबेर देवता धनतेरस वाले दिन आपके ऊपर कृपा करें, आपकी झोली खुशियों से भर दे, प्रॉस्पेरिटी के द्वार आपके आए और बस आप यूं ही खुशियां मनाते रहें।
इसके साथ साथ दूसरे दिन छोटी दिवाली होती है। छोटी दिवाली वाले दिन एक बड़ा दिया लेकर उसमें 5 जोत की लौ बनाकर अगर आप साउथ की डायरेक्शन में रख देते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। बस इतना सा ध्यान रखना है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दीपावली में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीजों का ध्यान करके आप लक्ष्मी माँ की कृपा भरपूर पा सकते हैं। पूजा की कुछ विधि, छोटी सी विधि, ये मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हैप्पी धनतेरस इन एडवांस। नमस्कार।